शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल एंड उन लोगों का ग्रुप बना के उनसे करवाओ. ये खाली किताब रखने का नहीं है, उसको यूज करवाना, तब रिजल्ट आएगा. सो फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और ये रेगुलर प्रोसेस रहेगा आपका कि आपके जो बिजनेस और रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ाया जाए. हम लोग सुबह में बात किए थे कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ. ये आपके पास राइटअप है, इसलिए आपको चिंता करने की नहीं है. बीइंग क्रिएटिव, हमने आपको बोला पेंडिंग काम कंप्लीट करते रहिए, पेंडिंग मत रखिए. किसी के साथ भी रिलेशन खराब हो, रिलेशन जोड़ लीजिए, थैंक यू सॉरी करके आगे बढ़ जाइए. सपोर्टिंग अदर्स, दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो. डूइंग एक्सरसाइज एंड देन मेडिटेटिंग, मेडिटेशन एक्सरसाइज के बाद कीजिए. पर्सनल एंड पॉजिटिव वर्बल, वर्बल जो आपका टॉक हो हमेशा पॉजिटिव हो. हमेशा पॉजिटिव हो, आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. आपको कोई अटैक भी कर रहा है, देखिए मोदी जी वो अटैक को ज्यादा नहीं ये करते हैं, उनको कोई अटैक कर रहा है इग्नोर कर दे रहे हैं. इज फोकस्ड, फोकस्ड. आदमी बोलता है अरे बोल तो कुछ, वो कुछ नहीं बोलते. छह महीने के बाद तो ही इज नॉट रिएक्टिंग, ही इज रिस्पॉन्डिंग. तो ही हैज एनर्जी एंड इंटेंसिटी टू वर्क इन हिज डायरेक्शन. आप यदि मैन है तो सेंसिटिवनेस आपके अंदर लाएं, और यदि वुमन है तो स्ट्रेंथ पार्ट लाएं. फोर ओ क्लॉक वी विल बी. विल टेक ए ब्रेक एट 4 o'clock, देन विल मीट. या Identifying our inauthenticity and inventing new possibilities. हम लोग अपना inauthenticity, आप अपने को जितना ज्यादा अपना गलती पकड़ते हैं उसी से आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा, नई संभावना मिलेगा. आप यदि ऐसा रहोगे मैं मेरा कोई गलती नहीं, मेरा कोई मिसिंग नहीं, मेरा कोई, आपको नई संभावना नहीं मिलेगी. यू आर गॉन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर स्टक. कैच इट, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी. कहां मैं अटका यार, किधर है? ओके, लेट मी करेक्ट इट. सेवेंथ, क्लेमिंग द स्ट्रेंथ. अपना जो हम लोग बात किए, कोर स्ट्रेंथ क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एंड एंजल इनसाइट. ईच वन ऑफ अस हैज एंजल इनसाइट, उसको क्लेम करो. एंजल खाली मेरे में नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे में खाली है, आप में भी है. वही एंजल है, वही गॉड आपके अंदर है. गॉड इन ईगोलेस स्टेट. मार्केट शेयर के लिए आपको मार्केटिंग, सेलिंग, मर्केंडाइजिंग, सेल्फ एंड पीपल मैनेजमेंट टू बी गेट. फ्यू ऑफ द थिंग्स आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया. मार्केटिंग, मार्केटिंग और सेल्स में क्या अंतर है? Marketing, you are creating the demand. Like there is the pull factor, and the customers will be drawn towards the product. It is a like inward, the customers are coming towards the product. And then selling, it is a push type of, like you are pushing the product to the customers. No. Against your branding. Marketing is creating the need, getting noticed. And selling is closing, transaction, fulfilling the need. So, exchange is taking place, that's selling. Paisa udhar se udhar gaya, saman idhar se idhar aaya. Marketing is creating awareness. People are aware of it, noticing it, that's marketing. Now in market, always remember, mainly 2
brand makes profit. The rest all always a struggle. Therefore, Reliance has tried to be the top brand in telecom. वो जिसमें भी जो भी जी भी जो है जनरल इलेक्ट्रिक उनका भी बिजनेस मिशन ही ये था और या विजन ऐसा था कि टू बी नंबर वन और नंबर टू इन एनी एरिया वेयर वी विल इंटर. रिलायंस इज ऑल्सो वर्किंग लाइक दैट कि वो तेजी के साथ वो नंबर वन नंबर टू में जाने का सोचे बिकॉज ओनली दे मेक प्रॉफिट. तो आप भी अपने जिस भी इंडस्ट्री में हैं आपको सॉरी जिस एरिया में काम कर रहे हो उसमें नंबर वन या नंबर टू में आपको खेलना है. उस कैटेगरी में यू हैव टू बी नंबर वन और नंबर टू देन यू विल ऑलवेज बी मेकिंग प्रॉफिट. सेलिंग में है लॉज ऑफ सेलिंग वेयर दे आर सेम इन द मॉर्निंग ओके विल बी अराउंड 4 o'clock 4:05 4:10 वी विल कम 10 minutes वी विल कम. सेलिंग इज 80% of sales takes place after fifth closing attempt. तो हम लोग एक बार attempt करते हैं ना बोल देता है हम लोग वापस चले आते हैं. 80% times it happens yes after fifth. So keep on making attempt on closing. Don't give up so easily. 50% time we don't even ask. 50% टाइम तो हम ऑर्डर मांगते ही नहीं है. चेहरा देखने ही समझ में आ जाता है अरे उसका मूड ठीक नहीं था वो लेगा ही नहीं. हाउ डू यू नो एक बार पूछा तो होता है. मर्केंडाइजिंग फैक्टर्स ऑफ मर्केंडाइजिंग फोर थिंग इनडिफरेंट एटीट्यूड. योर एटीट्यूड शुड बी इनडिफरेंट. इनडिफरेंट डजंट मीन लैक ऑफ इंटरेस्ट. Lack of interest, nahi. You are interested, you are committed, but you are not begging. You got that? Order chahiye aapko, lekin beg karke nahi. You are indifferent, sir. Lenge to acha, nahi lenge to acha, lekin lijiye saab. You got this? Lenge to bhi acha, nahi lenge to bhi acha, lekin lijiye saab. That's indifferent attitude. Second, sense of urgency. कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है सर आज क्यों नहीं अब भी क्यों नहीं. जिस चीज में आज और अभी आप लाते हो ना वो काम होता है. और जिस चीज में जब कल जैसा देखेंगे कल मूड होगा ठीक होगा ये बोलेगा वो बोलेगा माहौल बढ़िया होगा खुशनुमा होगा. यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग बॉस. यू आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू. यू आर डिफाइंग डेथ which is certain. आज रात आप हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है. Make it like right now. Life is right now. You are just wasting time. कल करे कबीर बोल के गए भाई हम लोग कौन है. कल करे सो आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब. अभी. So sense of urgency is very important. Third is greed factor. हर व्यक्ति थोड़ा सा लालच तो चाहता है ना. आप देखते हो ना वो संतरा खरीदने जाते हो बेचारा 50 rupees दर्जन बोलता है तो भी आप बोलते हैं देखो मैं क्या बोल रहे हो तुम. अपन तो बोलते हैं अरे तो 40 से देता है अभी नागपुर से आना अभी मौसम है ये है वो है. यार 50 से तो दे रहा है यार फिर भी हम लोग मानते हैं. तो एक greed factor है एक factor है consider it. तो आप उसको कुछ फायदा देते हो साहब आप यदि इससे ज्यादा ये कर लेते हो तो हमारा ये एडवांटेज है. नोबडी विल माइंड इट बोलेगा ठीक है तब अच्छा है. एंड फोर्थ इज फियर ऑफ लॉस. एनीवेयर इफ इट इज गेटिंग डिलेड देयर इज अ लॉस. सो यू हैव टू टेल देम कि भाई ये ले लेने से ये फायदा है और ये लेने से आप ये मिस कर सकते हो. सेल्फ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम पे होना ऑर्गेनाइज होना. पीपल मैनेजमेंट ऑलवेज कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए तीन भाग इंट्रोडक्शन बॉडी समरी. तो पहले इंट्रोड्यूस क्या आप बोलने जा रहे हैं फिर मेन चीज क्या आप बोल रहे हैं और फिर आपने क्या बोल दिया. ग्रेटेस्ट सेल्स पर्सन वेरी गुड बाय ऑग मैडिनो. ये सोट एनालिसिस है मार्केटिंग का. आपका क्या सिचुएशन है किसके ये सब राइटअप आपके पास है दिया गया है. इसमें आप अपने को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज आप में कमी है आपको किस
कमिटेड कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया से. थैंक यू नोट, ये चूंकि मैं खुद प्रैक्टिस नहीं किया हूं इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े ट्रेनर ने कहा है कि थैंक यू नोट भेजिए आप अपने क्लाइंट्स को. एंड आई विल एडवाइज यू एंड आई विल डू माई सेल्फ ऑल्सो कि लेटर लिख के और उसको पोस्ट से भेजिए, नॉट ईमेल. दैट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. All your clients or all your people, acquaintance or something, let us do it. I am taking it on ke agle 7 days mein main hundred such people ko who are my acquaintance, I will send thank you note. Okay, आप अपने कंपनी में यदि इनोवेशन लाना चाहते हैं तो आप ये चार चीज का फायदा उठाएंगे. कुछ चीज आपको एलिमिनेट करना होगा, कुछ चीज आपको रिड्यूस करना होगा, कुछ चीज आपको रेज करना होगा, कुछ चीज आपको क्रिएट करना होगा. अभी आप प्लीज, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग यू एज अ टॉप मैनेजमेंट. आप जो भी यहां पे हैं, वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव केप्ट क्राइटेरिया. अपने पास बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आए जिसमें लोग चाहते थे कि इस वर्कशॉप में अपने कंपनी के 5, 10, 15 लोगों के साथ वो बैठे. हमने मना किया क्योंकि अपना प्लान ही ये था कि ओनली द बिजनेस ओनर्स, ओनली द बिजनेस ओनर्स. सो दिस इज इन वन वे सो एक्सक्लूसिव, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं देखा था मेरी समझ में जहां पे ये कहा गया हो कि हम 5 आदमी के साथ आते हैं और उनको कह दिया कि नहीं, इफ यू आर ओनली द ओनर ऑफ कंपनी दैट यू आर अलाउड हियर, बिकॉज व्हेन वी से समथिंग वी डू इट. हम लोगों ने ऐसा डिक्लेयर किया था एंड वी स्टूड बाय दैट. तो आप टॉप मैनेजमेंट में हैं, सो क्या आपको एलिमिनेट करना है? आपको एलिमिनेट करना, और इसमें जो ओपनिंग आया उसको आप नोट कर लीजिएगा बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये तो आपके पास लिखा हुआ है तो ये मत नोट कीजिएगा. इसमें से जो ओपनिंग आपको दिमाग में आएगा वो कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं आपसे छोड़ दूंगा. तो इसको समझिए, इनफोर्स एस्टेब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. जो जैसा चल रहा है आपके कंपनी में वैसा ही चलता रहे, उसको आप, अरे हम लोग ऐसा करते थे तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है. यदि जैसा करते थे वैसा ही करता रहेगा तो आगे कब बढ़ेंगे? तो वो फोर्स करना कि नहीं वैसा ही करो वैसा ही करो, तो आप अपने कंपनी को रोक रहे हैं. वो आपको काम नहीं है, उसको हटाइए आप, वो मत कीजिए आप. सॉल्व ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एंड पुट आउट फायर्स. आप यदि फायर फाइटिंग कर रहे हो, श्री राम जी की जय हो, फायर फाइटिंग कर रहे हो, वो आपका काम नहीं है, एलिमिनेट कीजिए. ऑपरेशनल प्रॉब्लम, अरे यार ये मशीन का ये, वो आपका काम नहीं है. श्री राम जी ने अपने प्रोडक्शन टीम को हमसे ट्रेनिंग करवाया था, उसमें हमने मेन पर्पस हमारा यही था उनके टीम को ट्रेन करने का कि इनको फ्री करें, क्योंकि ये हमेशा फैक्ट्री में जाके बैठ जाते थे उनके साथ. तो सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस कौन करेगा? बिजनेस का 5 चीज होता है, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस. सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस आप ही कर सकते हो. वैल्यू क्रिएशन ऑपरेशन का आदमी कर सकता है, लेकिन सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन का आदमी नहीं करेगा, वो आपको करना होगा. यदि छोटी कंपनी आपकी है, यदि बड़ी कंपनी है आप जैसे आप बड़ा सोच रहे, तो आपको सेल्स के लिए टीम चाहिए जिससे कि आपको अपने खुद ही बनाना ना पड़े. सो इज इट क्लियर? रोशन जय साहब, इसमें से कौन सा चीज एलिमिनेट करना है, यू आर क्लियर? रिड्यूस, मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट मिडल मैनेजमेंट इनिशिएटिव. आपसे जो नीचे जो टीम है मिडल मैनेजमेंट का, उसको आपको कोऑर्डिनेट करना है एंड मॉनिटर करना है. उसको कम कर, मतलब जो आप मॉनिटर वगैरह कर रहे हो वो कम करना है. आप उसको लीडर बना दो ना, इंस्पायर कर दो, कोच कर दो. डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ईमेल वगैरह ये सब में आपका काम नहीं है. मीटिंग्स, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट कैसे बढ़ाएंगे, ये सब आपका काम नहीं है.
अब काम क्या है आपका? आपका काम है डील विथ पुअर परफॉर्मेंस. यदि कहीं पे दैट इज योर जॉब बॉस, ये मार्च तक क्यों नहीं हो सकता है, ये आपका काम है. मुकेश अंबानी जब जामनगर का सबसे बड़ा प्लांट बिठाया, जो टारगेट डेट दिया गया था उससे पहले उसने बना दिया, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उससे तो बहुत छोटा आपका प्रोजेक्ट. आप समय से पहले फरवरी में कर सकते हो, लेकिन आप वो सब चीज में जो अटके हुए हो उसको छोड़ो, ये पे आ जाओ. कोच एंड मोटिवेट डायरेक्ट रिपोर्ट्स, कम्युनिकेट द कंपनीज विजन एंड व्हाट इट मींस टू पीपल. आप में से कितने लोगों ने अपने कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यूज बना लिया? ओके ओके ओके. एंड आर यू कम्युनिकेटिंग दैट? व्हाट इज द विजन ऑफ योर कंपनी? सर, आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया था हमारे सीए पढ़ के लिए. वुड यू बेस्ट सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स इन टाइमली मैनर विदाउट हैविंग एनी पेनल्टी ऑन देम बाय द गवर्नमेंट? तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना, बट विजन क्या हुआ, मिशन क्या है? मिशन, व्हाट इज मिशन? ये शायद आईएसओ वाले बनाए होंगे तो उतना शायद आपको ध्यान नहीं होगा. मिशन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कंपनी, किस लिए ये कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आवर कंपनी, व्हाई इट्स एग्जिस्टिंग, इट्स एग्जिस्टिंग टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल एंड बिजनेस. बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. तो मिशन इज क्लियर, दैट्स व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग. ये क्लियर हो गया. विजन जो है वो आपका 10 से 15 साल का एक लगभग टारगेट. 10-15 साल में कहां आप देख रहे हैं अपने आप को, किधर देख रहे हैं? सो सपोज यू आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू बी द नंबर 1 और नंबर 2 और टॉप 10 और टॉप 5 कंपनीज इन दिस एरिया, इन दिस कैटेगरी. ओके, सो दैट कैन बी योर विजन. वैल्यूज आर लाइक, फॉर एग्जाम्पल फॉर अस इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स आवर वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू. Why Warren Buffett is so strong, so powerful, so wealthy? He has put integrity at the center. हम लोग भी इधर बात कर रहे हैं integrity center पे, तो आपके पास भी पैसा आएगा. इसके साथ compromise करोगे, नीरव मोदी हो जाओगे, विजय मलिया हो जाओगे. पैसा बहुत आया, बहुत गया, लेकिन वैसा पैसा का क्या फायदा? क्योंकि इंटेग्रिटी ये रखोगे, बहुत कम पैसा भी रहेगा तो बहुत रिच रहोगे. क्रिएट ए कंपेलिंग स्ट्रेटजी. आपका स्ट्रेटजी कंपेलिंग हो. 25 करोड़ का जो आईपीए का है उसका स्ट्रेटजी बहुत ही एकदम तुरंत समझ में आ जाए, कैसा होने वाला है, कैसे हम लोग ये टर्नओवर पहुंचेंगे, इस तरह से बढ़ेंगे. कंपेलिंग एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी क्लियरली. हम लोगों ने बताया 1 करोड़ के लिए, हमने आपको बताया ऐसा ऐसा प्लान है हमारा, क्लियर. क्रिएट, रेज के बाद क्रिएट. एनालाइज फ्यूचर ट्रेंड्स एंड देयर इंप्लीकेशन फॉर द कंपनी. इमेजिन करो साहब, आपका मिशन, सपोज थिंक ऑफ इट, सपोज योर मिशन इज, आपने कहा 1 लाख कंपनी, कुछ समथिंग यू सेट 1 लाख. इफ योर विजन इज कि छोटे बी टाउन सी टाउन के जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्राइज, ये 10 times ग्रो हो जाएं या इस तरह से आगे बढ़े, तो फिर आपका टर्नओवर ओवर का लिमिटलेस हो जाएगा. इट्स ह्यूज. तो जितना बड़ा विजन या मिशन है उस हिसाब से आपका इनकम हो जाता है. तो फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए और उसका इंप्लीकेशन देखिए. डेवलप एन एजेंडा, रिमूव ब्यूरोक्रेटिक ब्लॉकेजेस. जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको रिमूव करो. वो जब आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक ब्लॉकेज आता है, और जब आप इंडिविजुअल कंपनी है तो आपका मेंटल ब्लॉकेज आता है. हेलो, ब्यूरोक्रेट्स आर सिटिंग हियर ऑल्सो. हेलो, they are sitting here, bureaucrats are sitting here. If you are an individual professional, आपका bureaucrat इधर बैठा हुआ है और बोलता है ये मैं नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है. इधर वाला जो bureaucrat है, ये मेरा काम नहीं है, ये रूल नहीं है, मेरे को लोन नहीं लेना है, मेरे को हार्ड वर्क करके करना है आगे,
मेरे को अपने सिस्टम से चलना है। इधर बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट लोग, ब्यूरोक्रेट के काम यही होता है ना, अपना सिस्टम से चलना है। अरे यार तेरे को चिल्ला चिल्ला के सिखा सिखा के कान में भर भर के दे दिया, अन्ने मैं IAS ऑफिसर टॉप रैंक, मेरे को ऐसा ही। सो बी, इफ यू आर विलिंग टू चेंज, विलिंग टू ट्रांसफॉर्म, देन ओनली ट्रांसफॉर्मेशन विल हेल्प। इफ यू आर स्टक विथ बस मैं जैसा ऐसा ही भाई, ऐसे ही चलते रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू हैप। बी वेरी केयरफुल, यू हैव ए ब्यूरोक्रेटिक ब्लॉकेजेस हियर ऑल्सो। सेम थिंग विथ मिडिल मैनेजमेंट, थोड़ा सा डिफरेंट रूप में, बट इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू। न्यू आइडियाज आपके इंटरनल, ये सब बड़ी कंपनी के हिसाब से, इवन दो अपने अभी यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी के, जैसे कि 1,000, 10,000, 1,00,000 वाले इंप्लॉय वाले लोग नहीं है, बट फिर भी हर कंपनी में ये चीज हो सकती है। आपके पास सेल्स पीपल है, R&D पर्सनल है, यहाँ से आपको आइडियाज, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, इससे आपको आइडियाज आ सकते हैं। आइडिया से लेके कमर्शियलाइजेशन में कैसे जाता है, डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन कैसा हो। तो हम आपको चाय से ब्रेक होने से पहले हम आपको एक सीट दे दे रहे, ये आपका ध्यान रखे कि आपका जो गोल है उसके हिसाब से। एक एंटरप्रेन्योर के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, मैं बोला यार एंटरप्रेन्योर के लिए कोई ऐसा एक डेली टू डू लिस्ट हो कि यदि वो 8 घंटा काम करे तो उसको रिजल्ट आ जाए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जॉब में रहते हैं, तो जॉब में जाते हैं तो हम लोग को 8 घंटा तो बैठते हैं तो सैलरी मिल जाता है, लेकिन यदि हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हम वो 8 घंटा बर्बाद किए, सॉरी, या 8 घंटा हमने काम किया, ये कैसे पता चलेगा? हमने टाइम पास किया या काम किया, ये कैसे पता चलेगा? खाली गद्दी पे बैठ गए तो होता नहीं है। तो ये वाला हमने एक काफी रिसर्च करके निकाला कि ये एक ऑथर ने लिखा था, जेफरी जे फॉक्स करके, कि ये आपका यदि हो तो आपके पास। सो फ्रेंड्स, ये ब्रेक में आप जो है इसको आप रूटीन में लगा लेंगे कि कैसे इसको आप अप्लाई करेंगे अपने डेली रूटीन में, इस पे थोड़ा सा थॉट देंगे। आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं अपने गोल के लिए, वो भी आप तैयारी कर लेंगे थोड़ी थिंकिंग करके कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड। आपको एक पेज दिया गया है जो आप प्रेजेंट करेंगे, टी के बाद थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर आपको प्रेजेंटेशन का टाइम दिया जाएगा। क्योंकि आपने ज़्यादातर सुना है अभी तक, लेकिन एक्चुअली फ़ायदा तब होता है जब आप बोलते हैं। तो ज़्यादा समय हमारा प्रयास रहेगा कि आप बोले आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। सो वी आर ब्रेकिंग फॉर टी, इज देयर एनी क्वेश्चन? रोशन जी, क्लियर? सो अभी 4:02 हुए हैं, वी विल बी बैक एट पवन 4:30 तो उसमें ये असाइनमेंट कर लेंगे कि ये डेली जो रूटीन है उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है? वो कर लेंगे। और एक फोन आप करेंगे अनरीजनेबल रिक्वेस्ट का जो लिस्ट बनाया है उसमें एक आप फोन कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। हैज डन द होमवर्क, देयर वाज होमवर्क आल्सो, राइट? असाइनमेंट, who has done that assignment? Yeah, anybody who has done assignment? No. What was the assignment? Daily to-do list, right? Why didn't you do that? आपने क्यों नहीं किया इस पे असाइनमेंट? रीड किया, उसको इंप्लीमेंट करना, राइट? रीड पूरा कर लिया 13 पॉइंट्स। वेरी गुड, कैन वी गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर मोदी, राइट?
very important points, very practical points. Yes. And I have taken, मुझे चार दिन पहले ये benefit मिला है. Right. Contact existing customer, tin number. Right. I just gone to his premises. बैंक में गया था वही पास में फैक्ट्री आई और नेवर विजिटेड इज फैक्ट्री दो आई हैव कंस्ट्रक्टेड दैट तो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो उनका अकाउंटेंट मिल गया बोले सर चलो चाय पीने बोले नहीं यार टाइम नहीं मेरे पास ना सर आइए आपसे आना ही पड़ेगा गया ओनर से मुलाकात हुई बात करते करते बोले आपके बाजू का जो प्लॉट है ये मेरे ही क्लाइंट का मैंने बोला थोड़ा अगर पहचान पाऊंगा तो बताओ उसको कस्टमर है मेरे पास उसके लिए अरे भाई किसको मत बेचना बोले मुझे ही लेना है डोंट टेल एनीबॉडी आई एम बिहाइंड हिम वो दे नहीं रहा है तो बोले कितने में बोले 90 लाख में वो फाइनल करने को तैयार है बोले मैं 1 करोड़ 10 लाख देने तैयार मेरा काम करा दे सो द बेनिफिट आई गॉट मैं रियलाइज हुआ क्या आई शुड गो टू माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स वेरी मच विच आई एम नॉट विलिंग टू डू वो चाय पीने का बहाना हो गया है एंड आई गॉट अ कस्टमर और 90 लाख में सामने वाला देने को तैयार है पर ये बोलता है वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स दैट इज रियल इशू लॉट ऑफ पीपल हैव इश्यूज बिटवीन देम इट्स आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू कैन गेट द जॉब डन फॉर देम एंड यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट दे डोंट माइंड इट दे आर हैप्पी बिकॉज बोथ आर हैप्पी सो इट बिकम्स विन 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 एवरीबॉडी विन Good. Thanks for sharing. It's not a good point. It's contacting existing customers is very great. Who else? Nobody else has read it. Okay. Go through it. Just go through it and see that what is that three things you will start applying from today. Tick mark there. You might be applying 2-3 points already. But now what things you include out of this What 3 things you will include out of this from today, which you are not doing? Yes, Patil sir. Yes. कौन सा 3 point अभी से apply करेंगे? Reach out to new customer. Okay. Train and employ. Right. Review progress on goals. Review progress on goals. Yes. Daily. क्या होता है कभी कभी हम लोग शुरू में जब गोल सेट करते हैं ना उस समय में उधर फोकस रहते हैं बट 2-3 दिन के बाद ही थोड़ा सा हमारा एक्शन ज्यादा हो जाता है हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं एंड देन अगेन आफ्टर 15 days वी कम बैक बाय दैट टाइम द होल मोमेंटम गेट्स लॉस्ट So it's like this is my duty. So all these points you have to do daily, on daily basis, all the points. So these three you will include, that means rest, other things you are already in place or you will put that thing also in place. Okay. Write down 3 people with whom, write down the name of 3 people who have hurt you the most. Who have hurt you the most. ऐसे 3 व्यक्ति का नाम लिखिए जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है बहुत दर्द दिया है दुख दिया दर्द लिया या दर्द दिया दुख लिया जो भी हो बट रियली यू विश कि वो आपके लाइफ में ना होते तो शायद ये लाइफ थोड़ा सा और बेहतर होता
Can I tell the three names? Three names? Focus on that person who has hurt you, according to you. Suppose that event has gone bad, then who is responsible for that? Write down that name. Done? Okay. Yes, Abhay, tell me. First is the name of the guy is because my partner was in the last business. Okay. The decision making, he was after starting the business in the middle of the crisis, he ran away to the US for his master degree. And what was your loss? My loss was the business was operational and was loss making, and he was also one of the investors and he ran away. And instead of sharing the responsibility, he ran away. Then I have to close the business. How much loss you made? I made around 10 lakhs loss last year. Okay. Okay, got that. Second? That is in the real world, in the real market, that was for my first time. Because? Yeah. Nobody else. These are the first measure. Okay. Still in the starting phase only. Ah, got that. Okay, anybody else? Alkesh? Nobody. Who has hurt you? किसी ने हर्ट नहीं किया. वाइफ से सेपरेट क्यों हुए? वो सर हमारे यहाँ जो साटा पेटा का प्रॉब्लम होता है, साटा पेटा. हाँ, उसके वजह से. अच्छा, साटा पेटा मतलब? यानी कि हमने सामने का मेरी वाइफ थी तो उनको रिलेशन में मेरी बहन को भेजा. You got hurt by that thing, that event. But that event has really touched you, isn't it? It has impacted your life. It is. Kisi ka bhi life to impact hua na yaar. So get that, Getting hurt is not bad. We are a human being. Even the God says, or the, the great soul says, saint says, we want to touch the feet of human beings. Why? Because the emotions that they go through, wo ye insaan hi kar sakta hai. दुख, दर्द, प्रेम, घृणा, द्वेष, गुस्सा, चोट लगना, सहना, ये सब से गुजरना इंसान ही कर सकता है. एंड देयरफॉर इवन देवता लोग भी बोलते हैं कि मनुष्य योनि जो है वो बहुत खास. सो इट्स ऑल राइट टू गेट हर्ट इन द प्रोसेस. इट्स लाइफ. सो इट्स ऑल राइट. सो हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? राइट ऑन दैट नेम. सो दैट्स व्हाट दिस इज जस्ट वन थिंग यू शेयर्ड. अदरवाइज देर मे बी मेनी सच थिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ. देर आर मेनी सच पीपल हु हैज हर्ट अस नोइंगली और अननोइंगली. एंड देन वी हैव एंगर हियर इनसाइड, upset here inside. We need to acknowledge that it's there, hidden. किसी को माँ बहन का गाली देने का मन करता है तो हम लोग तो सभ्य हो गया है तो गाली दे नहीं पाता है तो हमने कागज में लिख लेता है तो बड़ा मजा आता है. यू गेट फ्री. समझ आ रहा है? अपने को भरास निकालने का. अदरवाइज इट इज इनसाइड. लॉट ऑफ पीपल गेट हार्ट अटैक. It's mainly because they keep inside. नहीं, कैसे अपना इमोशन बताऊं, कैसे दिखाऊं अपना दर्द, वो इधर रखे रहते हैं. And then they get sick. Don't do that. Yes, Shailendra. रीत लाल जी है. Okay, second. लाल है. Third. और चंदेश सर. Got that. Yes, सौरभ सर. मेरे
केस में तीन इवेंट हुआ जो कि विदाउट ऑफ स्टैबिंग माय फॉल्ट, और तीनों बैक स्टैबिंग हुआ है, और बैक स्टैबिंग जिसने किया है वो मुझे पता है, वो मेरे काफ़ी क्लोज नियर एंड डियर फ्रेंड्स लिस्ट में आते थे, मेरे से लिया मुझे बैक स्टैब किया, और आज वो हाईकोर्ट का जज है, मैनिपुलेटर। अब ऐसे ही लोग जज बनते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जुगाड़पंथी वाले। मेरा बिहार बोर्ड में प्री टेस्ट और सेंटअप में 90+% आई गॉट दैट। तो तीनों का नाम लिख लिया आपने, नाम मैं लिख कर दे रहा हूँ जो हाईकोर्ट का नाम लिख लीजिए, जस्ट राइट डाउन। मुझसे देख के वो इंस्पिरेशन पा रहा है, और शायद सुनने में आया कि ऑनेस्टी की तरफ बढ़ रहा है। वेरी गुड, गुड ट्रांसफॉर्मेशन का गुड मैसेज में। वेरी गुड, एक्सेलेंट, दैट्स वेरी गुड। यस सर, लिख लिया नाम? लिख लिया, पर ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ, राधेश्याम प्रजापत, माय गुड फ्रेंड विथ हुम वी आर एस्टेब्लिश्ड एक 2.5 करोड़ का प्लांट लगाया था। okay. ये गरीब बच्चा था, उसको प्लांट चलाने की जवाबदारी दी थी, मेरे को कुछ 80 लाख का लॉस हुआ था, मैंने लिया शट डाउन द प्लांट। माई फ्रेंड यानी स्वप्निल राठौर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वो अपना कायदा चलाता है, आपके बुक्स में क्या लिखा है उससे मुझे कोई लेना नहीं, उससे हर्ट हूँ। Got that? Yes. So it's very important that you write it down. You get this? ये जो यहाँ पे रहता है ना, वो बहुत नुकसान हमें करता है, बहुत नुकसान करता है, क्योंकि आप किसी को बता भी नहीं सकते ना, किसको बताएंगे, कौन सुनने वाला है, किसी के पास टाइम नहीं है पहला चीज, और दूसरे वो यहाँ पे है लेकिन हमारे अंदर, वो हमको क्या करता है ना, पूरा बोझ के अंदर दबा के रखता है। जब हम उसको कागज पे डाल देते हैं ना, हम रिलीफ हो जाते हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम कागज में डालते हैं या उसको माफ करते हैं। इनफैक्ट बड़ा अच्छा राइटअप हाल में ही मैंने देखा कि किसी स्पिरिचुअल आदमी ने यह बताया, किसी संत ने बताया कि कुछ सोल्स आपके लाइफ में आते हैं जो आपके सबसे नजदीकी प्रेमी होते हैं, वो आते हैं आपको दुश्मन के रूप में, क्योंकि बहुत सारे सोल आपका दुश्मन का रोल नहीं ले रहे। कौन किसका दुश्मन बनना चाहते हैं, क्या जान बुझे किसी को चाहिए क्या, कहते हैं कि जो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, कि आप इस प्रोसेस में जो लर्निंग करते हैं, हम लोग ग्रो कैसे कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, अरे हाँ अभी संभल के रहना है, अरे अभी संभल के रहना है, अरे अभी ऐसे ध्यान कर रहा है। तो हमारा यदि 2.5 करोड़ में यदि हमको 100 करोड़ का सीख मिल गया, तो हम 100 करोड़ में वो गलती नहीं करेंगे ना, तो हमारा तो सेविंग हो गया। तो ये जो हमें कराने आते हैं, तो हम लोग को तो एंगर नॉर्मली आता है, लेकिन वो तो फिजिकल लेवल पे आ रहा है कि तूने किया, लेकिन उसके पीछे का पूरा जो चक्र है वो समझ में जल्दी आता नहीं है। तो कहते हैं कि जो ये व्यक्ति को गुस्सा करने से पहले, ये करने से पहले आप उसको माफ करना सीखिए, हो सकता इनफैक्ट आप उसको थैंक यू दीजिए, ग्रेट, Thank God, thank you so much for guiding me, training me, giving me opportunity, giving me problem so that I could become bigger than that problem. So this was a very good thing which you said. So recently we had a very strong, we gave a work, I mediated one transaction. So, in that transaction, sir, something went wrong and the entire experience went for us all and my credibility was stake. Then I said, after 2 months when the thing settled down, then we took the best out of it, ki verbal conversation commitment kiska lena nahi hai. So, everything now that person is doing is through email. Because, to uske wajah se kya ho gaya ki? Lot of benefit. So that value was of 3 lakh rupees. But the experience was, it was a travel experience. So that entire family emotion went for a toss. And now that person is taking was, I have a problem of recollection. Better you email. So now he had put that thing in his policy. So whenever he... So you can always take the positive side of it. It is always, you can take the empowering side of it. And that's integrity. आप कोई भी घटना को डिसएम्पावरिंग करते हैं, यू आर आउट इंटेग्रिटी, एम्पावरिंग करते हैं, यू आर इन इंटेग्रिटी। ये कितना आपके अंदर वो मशीन है। आई विल शेयर विथ यू आनंद महिंद्रा'स एग्जांपल। वन ऑफ हिज टॉप गाय वाज शेयरिंग विथ मी, ही वाज सेइंग दैट महिंद्रा जब फोर्ड के साथ टाई अप किया, तो उन्होंने अपना सबसे पुराना इंजन दिया उनको,
डाइकास्ट या क्या वाला होता है, वो वाला इंजन उनको डाल दिया, काफी लॉस हो गया। तो बोर्ड मीटिंग में महिंद्रा के साथ बात हो रही थी, तो सब लोग बोल रहे थे साहब उसके साथ फिर से आप टाई अप करने की बात कर रहे हैं, इतना लॉस हो गया हम लोग का। मिस्टर महिंद्रा सेड, डू यू नो हाउ मच वी हैव गेन्ड उस टाई अप से? ठीक है, $100 million गया, लेकिन मिला क्या मालूम है? बोला क्या साहब, क्या मिला? बोला आज हम लोग का नासिक के पास 700-800 इंजीनियर ट्रेंड हो गया है। सी द स्ट्रेंथ दैट वी हैव, नाउ वी कैन हैव आवर ओन इंजिन। That's mainly because we made that loss. So do you think I have gone for engine from here then? No, I have gone for know-how. हम उनसे सीखने के लिए गया था, मेरे को मिल गया, अब रेस्ट अपन लोग कर लेगा। See the leader. That's how today Mahindra vehicles are so powerful कि even Tata company को भी अच्छा टक्कर दिया है। So that's how empowering context आपका हमारा कैसा है, ये देखना जरूरी है। Okay, so Have you forgiven them? जो भी आपको हर्ट किया है आपने माफ किया उसको, ठीक है? मौका मिले तो फोन भी मार डालने का, फोन करके मैंने माफ किया, या आपने एक कुछ गलती किया है और उसका कुछ आपने सॉरी बोल दिया, ठीक है? सो टिक 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 द हैंड लाइक दिस, सारा कंप्लेंट्स अपने माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी सबका इधर में रख लेने का, दुश्मन दोस्त सबका, इसको छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, छोड़ दिया। उसके बाद इसको लेके अपना ये में सावाशी, बड़ा काम किया है गुरु। तो कितने दिनों से पकड़ा था, अभी कभी किसी का कंप्लेन पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि वो पॉइजन है। हम लोग को मजा आता है कंप्लेन रख के, लेकिन नुकसान बहुत है। उसके कारण क्या होता है ना, हम लोग का प्रेम खत्म हो जाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, फ्रीली बात नहीं करता है, गुस्सा रखा हुआ है। हम लोग मजा तो बहुत आता है कि यार मैं राइट है तू गलत है, लेकिन यार मजा नहीं, जिंदगी नहीं, प्रेम नहीं, खुल के नहीं बात कर सकते, ये बहुत बड़ा कॉस्ट है यार। अरे जिंदगी कुछ दिनों का है यार, हंस खेल के निकल जाने का है। क्लियर एवरीबॉडी, कैन वी मूव ऑन नाउ? हमने आपको एक प्रोजेक्ट सीट दिया है, आपको मिला होगा प्रोजेक्ट सीट। उस प्रोजेक्ट सीट में आप जिस तरह का अभी अपना गोल रखे हुए हैं, उस गोल को कैसे अचीव करें उसके बारे में उसको आप एक स्ट्रक्चर में डाल दे रहे हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है उसको मैं आपको गाइड कर देता हूं। ऊपर में नेम है, आप अपना नेम लिख लेंगे, फिर डेट है, कोच है, कोच में आप हमारा नाम दे सकते हैं। हु आई एम इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, पॉसिबिलिटी क्या है आपका, आपका पॉसिबिलिटी इंटेग्रिटी है, आपका पॉसिबिलिटी लीडरशिप है, आपका पॉसिबिलिटी एम्पावरमेंट है, आपका पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका पॉसिबिलिटी ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, आपका पॉसिबिलिटी अबंडेंस है, आपका पॉसिबिलिटी लव है, अफेक्शन है, केयर है, क्या है, कमिटमेंट है, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है आप उसको लिख सकते हैं। माय टारगेट कम्युनिटी, किस कम्युनिटी के थ्रू आप अपने गोल को अचीव करेंगे, राइट? आपके ओल्ड क्लाइंट्स के थ्रू करेंगे, न्यू क्लाइंट्स के थ्रू करेंगे, अपना जो गोल अचीव करेंगे आप गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू करेंगे, आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे, आपका टारगेट कम्युनिटी क्या है जिसके थ्रू आप, जो भी आपने अपना फाइनेंशियल गोल रखा है, हम लोग मोस्टली अभी फोकस कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल गोल्स पे, वो आपका टारगेट कम्युनिटी क्या है, आपका कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्या है, जो भी आपका गोल है उसको आप लिख सकते हैं। द नेम ऑफ माय, और द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट इज, कुछ आप नाम दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ माय प्रोजेक्ट इज, पॉसिबिलिटी क्या है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, क्या है। द स्पेसिफिक मेजरेबल दैट विल मेजर द इंपैक्ट ऑफ माय टारगेट कम्युनिटी बाय, मेरे टारगेट कम्युनिटी पे क्या रिजल्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम तक क्या होगा। तो आप जिस टारगेट कम्युनिटी के थ्रू आप अपना बिजनेस गोल पाना चाहते हैं, उस टारगेट कम्युनिटी को आप क्या इफेक्ट करने वाले हैं, क्या उस पर इफेक्ट होगा। सो आप मान लीजिए 3 महीने का एक प्रोजेक्ट लेते हैं सपोज, तो 3 महीने में उसका क्या ग्रोथ होगा, आप उनका ग्रोथ करेंगे तो वो किस तरह से ग्रो करेंगे, दे विल बी ग्रोइंग बिजनेस वाइज, दे विल बी ग्रोइंग मनी वाइज, दे विल बी ग्रोइंग हाउ, पर्सनल उनका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, यदि किसी का हेल्थ इश्यू है हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा उस टारगेट कम्युनिटी में।
उसके बाद 3 महीने में, 2-2 महीने में बांट दिया आपने, 1-1 महीने में बांट दिया, बाय वर्क डे 3 अर्थात तीसरे महीने को अंत में आपने यहां लिखा, दूसरे महीने का यहां पे, पहले महीने का यहां पे। अदर रिसोर्सेज आई विल कॉन्टेक्ट टू प्रमोट माई प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका आप टीवी का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, पेपर का सहारा ले रहे हैं, कैसे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं? आउट ऑफ शेयरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल विल रजिस्टर इन द फाउंटेन हेड। आप ये सब जो इतना अच्छा काम करेंगे, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने टारगेट कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो सारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोग आपको लगेगा कि ये लोग भी बढ़ाए आगे चल के। जैसे आपका डेवलप्ड इंडिया का प्लान है, या आपका ओल्ड एज का प्लान है, या जो भी चीज का है, उसको आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ लोग हमारी तरह वो भी लीडर हो, तो आप उसमें से जिन लोगों को अपने प्रोग्राम 12 जनवरी को बुलाएंगे, उन लोगों का आप नाम लिख सकते हैं कि आप चाहते हैं उनको भी इस तरह का ट्रेनिंग मिले, उनको आप भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का फॉर्म का पहला पेज। दूसरा पेज है, इन दिस प्रोग्राम आई विल टेक फीडबैक फ्रॉम फॉलोइंग पीपल। इन लोगों से आप फीडबैक लेंगे कि भाई कैसा आप कर रहे हैं, आप जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। फीडबैक लेंगे कि भाई मैं कैसा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। उसने बोला कि नहीं अच्छा नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, ये थोड़ा इंप्रूव करो, ये अच्छा करो, करो, तो वो आप इन लोगों से फीडबैक लेंगे अपने बारे में। क्लियर? एनी क्वेश्चन? आपका ये प्रोजेक्ट के बारे में होगा, प्रोजेक्ट जो आप चला रहे हो। आप जैसे एक आदमी प्रोजेक्ट लिया था कि अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ग्रो कराने के लिए, तो उसमें वो ग्रो कराने के लिए उनका फीडबैक लिया कि साहब आपका ग्रो हो रहा है क्या, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो आपको सपोर्ट दे रहा हूं, वेदर इट इज ऑल राइट, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है क्या? कोई बोलता है कि हाँ तुम्हारा ये प्रोजेक्ट ठीक है, इट इज हेल्पफुल। कोई आदमी प्रोजेक्ट ले लिया था डेवलप्ड इंडिया का, तो उसने क्या किया कि 7 promises जो है उसको उसने पूरी चारों तरफ में फैलाने का सोचा, तो वो ले सकता है कि क्या मैं ये जो डेवलप्ड मेंटेलिटी कैंपेन रख रहा हूँ वो ठीक है क्या, उसको फीडबैक मिलता है हाँ ये है। तो यू कैन टेक एनी प्रोजेक्ट जिसमें, अगेन आई विल फोकस, थोड़ा सा मैं क्लियर करूं कि आप इसमें प्रोजेक्ट उसको बिजनेस का गोल आप रखे हो कि दिस इज माय बिजनेस गोल, माय प्रोजेक्ट, बट आप उसके कम्युनिटी के डेवलपमेंट के थ्रू अपना कर रहे हो। व्हाट वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग, हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, आप अपने बारे में भूल जाओ। क्या बोला था हम लोगों ने? मैं अपने बारे में भूल जाओ। आपको बताया गया है कि आपका ये क्लाइंट बेस है, आपके ये लीडर हैं, आपके ये टीम हैं, इन लोगों के लिए जो आपके ग्रोथ के लिए है इंपॉर्टेंट, उन लोगों के लिए आप क्या करने जा रहे हो? बिजनेस से कनेक्शन है आपका, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? सर वो तो भी मैंने क्लियर किया नहीं, कर लीजिए, कर लीजिए। सपोज यू हैव अ फाइनेंशियल गोल ऑफ अर्निंग 10 lakh rupees इन 3 months टाइम, ठीक है? तो किसके थ्रू अर्न करेंगे आप, किन लोगों से अर्न करेंगे? थिंक ऑफ इट कि ये व्यक्ति है, ये एनजीओ है, या ये कंपनी है, आप जिससे भी अर्न, ये 25 लोगों से मान लीजिए अर्न कर रहे हैं, इससे फॉर एग्जांपल आप HRScore.in मान लीजिए कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपने 50 कंपनी में गया और आप 50 कंपनी में जाके HRScore.in को प्रमोट किए, ठीक है? तो आपका वो कम्युनिटी हो गया 50 कंपनी। इस 50 कंपनी को आप आगे कैसे बढ़ाओगे? आपको तो ठीक है वो बिजनेस दे दिया, चार उसको इंडेक्स ले ले, ये ले ले, ये ले ले, बस उतना ही काम है अपना, क्या? गेटिंग सेंस? आपने उसको मशीन दे दिया, आपको पैसे दे दिया, इतना ही काम है क्या अपना? इसका मतलब हम लोग सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं, आपने अपना प्रोडक्ट दिया, पैसा ले लिया, हो गया बस, क्या? अरे क्या, आज नयन या पवन
वो अपने क्लाइंट के लिए क्यों इतना सोच रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि केवल मैं उसको LIC पॉलिसी दिया और पैसा लिया, तब तो ये सब लोग करता है यार। म्यूचुअल फंड दिया तेरे को, पैसे ले लिया, तो सब लोग करता है यार। क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं? That is what is driving them, and that is what is giving so many people so many benefits. Yes. तो आप जो ही उस बेसिक सर्वाइवल से बाहर निकलते हो, हाँ भाई मेरा ज्वेलरी ले लो और पैसा दे दो, इसे बाहर निकल भाई, वो जो हो गया उसके अलावा तू पूरे जीवन में यही आया कि तेरे को ज्वेलरी में देगा तेरे से पैसे ले, तू यूर फुल सोल मेरे पास आया है, मैं तेरे को सर्व क्यों नहीं करूं? तुम्हारा कोई इशू है, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, मैं कैसे नहीं सॉल्व करूं यार? आर यू गेटिंग? तो वो जो 25-30 कंपनी है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? अच्छा उसको D20 ठीक है, कल को उसको आपको लगेगी यार चार्टर अकाउंटेंट का भी जरूरत है, तो आप मोदी साहब को बोल सकते हैं भाई साहब उसको थोड़ा मदद कर दो यार, आपको स्पिरिचुअलिटी का जरूरत होगी। मैं बोला यार सौरभ से थोड़ा स्पिरिचुअल थोड़ा गाइडेंस कर दीजिए यार, पेट्रोलियम का कुछ है तो टेक्निकल भी का। मशीन चाहिए, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए लोगों से आप LIC चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी, बुक चाहिए, क्या देगा भाई आप? किस चीज में स्पेशली? वो टैक्सेशन ना, इनका बोल रहा क्या स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी मार्केटिंग करना, हां, बट व्हाट इज योर बेस्ट एट? हमेशा कोर कोर की बात करो, दिस इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड फाइनेंस। मेन चीज क्या? फाइनेंस या मार्केटिंग? एक चीज बताओ, मेन चीज क्या? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कंसल्टिंग, यू नो लाइक व्हाट आई वांट टू से इज, उसका देखो क्या इशू है, कैसे सॉल्व करें, उसके पीछे लग जा। If you can solve other people's problem, subject to his commitment, याद रखना, subject to his commitment. सामने वाला commitment है तो आप भी खेलो, सामने वाला आपके साथ बेईमानी कर रहा है तो पीछे में लात मारने का, किधर, याद रखना, क्योंकि then he is wasting resources. Don't do that. Don't allow that to happen. Very, be very clear, because your resources is to be used well. But if he is committed or they are committed, your job is to serve them. Clear? Please go ahead. Is it clear, Nen? When you will write, ask the question, you will get it further. Keep on writing. प्रोजेक्ट फॉर्म को भर लीजिए। नाउ व्हाट इज आवर इंटेंशन इज कि जो थ्योरेटिकल आप सीख रहे हो उसको आप डे टू डे अपने रूटीन में घुसा के ले आओ, वो आपके रूटीन में आ जाएगा कि आपके जीवन में आ गया हो, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। तो उसको आप लिख लीजिए, जहां क्वेश्चन हो जस्ट पूछिए। योर टारगेट कम्युनिटी, जो भी मान लीजिए आपका कस्टमर बेस है, जो भी लीडर्स है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, दे आर योर टारगेट कम्युनिटी। जिसके थ्रू आप बिजनेस बनाना चाहते हो उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप? एक तो सामान दे देते हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या करना चाहते हैं? उनका बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं आप? उसको ये 7 जो ये है उसका मेंटेलिटी वाला वो 7 प्रॉमिसेस उसको आप देना चाहते हैं, उसको आप ये किताब देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप उसको? उसको ट्रेनिंग में बिठाना चाहते हैं, उसके साथ मिलके कुछ आप ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उस 7 लोगों, उस 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग को आप कैसे बड़ा बनाएंगे? सोशली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसको आपको आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या करेंगे आप? जो भी नाम उसको देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप? फ्री में इनको हेल्थ के लिए एडवाइस, राइट, हेल्थ योगा वगैरह, राइट, इंस्पायर्ड, करेक्ट, वेरी गुड। तो माय प्रोजेक्ट इज कैन बी आरोग्य, कुछ ऐसा करके
जन आरोग्य या आरोग्य कुछ भी जो भी आप उसके लिए सोचिए और नाम दीजिए उसको. आप इनफैक्ट आयुष्मान भारत जो है उसका आप बहुत बड़ा ये बन सकते हो, चैंपियन बन सकते हो. उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आयुष्मान भारत में, वो प्राइवेट डॉक्टर लोग कर नहीं रहे क्योंकि ब्यूरोक्रेट लोग पैसा मांगता है. तो वो प्राइवेट डॉक्टर बोलते हैं मैं वहाँ लाइन में खड़ा होकर उससे पैसा थोड़े, मेरे पास टाइम कहाँ है. बोलते हैं जा भाड़ में, मरीज जाए उधर जाए गवर्नमेंट में, मैं नहीं साथ दूंगा. उसको लिंक आप जोड़ सकते हो. तो आप किस चीज से रिलेटेड उसको थोड़ा बड़ा सोचो ना. आरोग्य रोशन, मेरा नाम, नया नाम जन, या आरोग्य रोशन. यस, कितने सारे लोगों को जरूरत है भाई. गांव गांव में जाओगे ना हालत खराब होगी. एक लेडी है हमारे ट्रैवल विलेज जहां हमारा बंगलो प्रोजेक्ट है, वो बेचारी को कैंसर का पीछे बैक में कुछ ये हुआ, ट्यूमर निकाल दिया. अब कोई उसको देखने को रेडी नहीं है कि ठीक कर देगा, इतना पैसा का खर्चा वगैरह. इधर आयुष्मान भारत आयुष्मान करते, उधर गांव में कोई पहुंचता नहीं है साहब. कोई वहां लिंक हो जो उसको कनेक्ट कर दे, जो जैसे गांव सेवक है या कुछ है, उस तरह का कनेक्शन नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में ठीक से ये करे, इलाज करे वगैरह. प्राइवेट में बोलता है इतना पैसा, 5 लाख बोलता है, लेकिन कोई उसको सेवा करने का नहीं है. बट दिस इज जस्ट द बिगनिंग. अब इसमें यदि कोई कनेक्टर हो जाए जो उन लोगों को हॉस्पिटल में सपोर्ट करवा दे, तो दिस कैन बी अ गुड थिंग. कहां है गरीब लोगों को वहां जाने के लिए 2000 रुपए के लिए सोचना पड़ता है कैसे गाड़ी में लेके जाएगा. उधर में टाटा का तरफ से आउटरीच प्रोग्राम में उसको उठा के लाना पड़ेगा गांव में. उधर में विजिट करके खोजना पड़ेगा किसको क्या है, उसका सेवा करके एम्बुलेंस उठा के ले जाना होगा. दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. वो लोग तो सीधे गांव में सोचते हैं चलो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है किसी, जब तक दवा है ठीक है, किसी दिन जाएंगे. वी हैव टू रियली वर्क वेल. एक शुरुआत अच्छी है आयुष्मान भारत की, उसको लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा. देयर यू कैन बी ए बिग हेल्प and these people can be your support. इसमें और वो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको योगा और उसमें कर दे रहे हैं सपोर्ट, और साथ में उनको बोल रहे हैं चल तुम लोग अपने से जो डाउन ट्रोडन है उसको तुम लोग मिलके चलो हम लोग करते हैं. तीन महीने में क्या रिजल्ट दिखेगा आपको वो लिखिए. 3 महीने का मान लीजिए प्रोजेक्ट लेते हैं, 3 महीने में आपको क्या दिखेगा इन लोगों पे. आप देखोगे कि मान लीजिए कि ये लोग हेल्दी हो गए, ये लोग एवरी वीक कम से कम एक बार गेट टुगेदर कर ले रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया. हाँ, एक टारगेट रख लीजिए, 3 महीने में ये मैं चाहता हूँ, फिर 2 महीने में ये चाहता हूँ, उसके नेक्स्ट वाले में 2 महीने में ये रिजल्ट चाहता हूँ, 1 महीने में ये रिजल्ट चाहता हूँ. क्या है बताइए, आपका प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं आप? करेक्ट. तो पॉसिबिलिटी ऑफ माय हेल्दी विलेज, स्वस्थ गांव या सेफ गांव, यदि स्नेक से बचा रहे सेफ सुरक्षित गांव, या आप सर्प सुरक्षा अभियान, यदि स्पेसिफिक आप सांप से रिलेटेड करना चाहते हो तो सर्प सुरक्षा अभियान कुछ भी कर सकते हो. सर माय वर्क द स्पेसिफिक मेजर रिजल्ट्स आई विल प्रोड्यूस इन माय टारगेट कम्युनिटी. ये आपने 3 महीने का गोल ये रख लिया, ये 2 महीने का लिख लीजिए और ये 1 महीने का. 2 महीने का मतलब आज अक्टूबर लास्ट में है, नवंबर दिसंबर, 27 दिसंबर तक, ये 27 जनवरी तक है, लिख लीजिए 27 जनवरी, ये 27 दिसंबर और एक 27 नवंबर. 27 जनवरी 3 महीना हो गया, 27 दिसंबर 2 महीना हो गया, और सबसे लास्ट वाला जो है वो 27 नवंबर तक. जब आप वो काम कर रहे होते हैं ना, आपको लगता है या जन्नत में हो, शायद इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, और तब आपको उसके साथ साथ अपना बिजनेस करने में भी बड़ा मजा आएगा. उसी आदमी लोग को आप बोल सकते हैं अरे तू हमारा खरीदा नहीं चल,
मेरा बिजनेस का क्या करेगा कर बिकॉज यू आर सेल्फ एक्सप्रेस्ड आप अपने आप को पूरा खुले हुए हो बंधन से मुक्त हो लास्ट वाला जो है राइट क्लियर हो रहा है और उसमें 50 फीडबैक की जगह पे केवल 5 का नाम अभी लिख लीजिए बट बाद में आप सबसे ले लीजिए फीडबैक क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग का लिस्ट में आपका जुड़ेगा फीडबैक मतलब किसे लेना है जो लोग पार्टनर है जिस लोगों को आप ये कर रहे हो उससे फीडबैक लेंगे आप कि कैसा रहा आपका प्रोग्राम क्या इसमें सजेशन है आपका आप तो अपने हिसाब से कर रहे हैं बट उससे सजेशन भी तो लीजिएगा उसमें से कुछ लोगों से आप फीडबैक ले लीजिएगा कि आप जो सोच रहे हो उसमें सॉल्यूशन देगा कुछ सजेशन देगा दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्लियर तो ये आपने अब पहला वाला आप 27 जनवरी का रख लीजिए ये 27 जनवरी हो गया 3 महीने का रखे है ना ये जो लिखा है 3 महीने के हिसाब से लिखे ना 27 जनवरी हो गया ये 27 दिसंबर ये 27 नवंबर 1 महीना 2 महीना 3 महीना ब्रेक कर लिया आपने यू गॉट इट आई विल गिव यू टाइम अगेन जस्ट एक आपको एक आइडिया हो गया क्या लिखे थे देन आई विल मूव ऑन टू द वीकली एक्शन प्लान Moving on to weekly action plan, how to fill it. इसका हमने आपको दो फॉर्म दिया है एक हमने आपको बचा के रखने बोला है कि आप उसको कॉपी करके हर वीक में करते जाएं। एक अभी आप लिख सकते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं नेम डेट हो गया आई हैव लर्न्ड फ्रॉम लास्ट वीक अभी जो आप लर्निंग कर रहे हो उसको लर्निंग को आपको लिखना है मैं केवल पहले बता दे रहा हूं फिर आप इसको 5 मिनट समय दूंगा फीडबैक फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन सर्व्ड जिन लोगों को भी आपने सर्व किया है उन लोगों से फीडबैक इसमें लिखेंगे एक्शन आई विल टेक इन दिस वीक इस वीक में क्या एक्शन लेने जा रहे हैं आप हर वीक में आप एक्शन लोगे लिस्ट ऑफ पीपल हुज फॉलो अप टू बी डन किन लोगों को आप फॉलो अप करोगे एक बार बोल दिया तो नहीं होता है आप जैसे डेटर को बात करते हैं उसको एक बार बोल दिया तो नहीं होता है उसको बार बार बोलना होता है People to whom I will give presentation, उन लोगों को बताना पड़ता है क्या आप करना चाह रहे हो लोगों को जब listening improve करती है कि आप किस तरह के आदमी हो तब जाकर आपको वो देखना शुरू करता है कि ये आदमी केवल imitation jewelry नहीं बेचता है ये आज टाटा टाटा कंपनी कैसे बनी लोगों ने ये नहीं देखा कि ये खाली स्टील बेचता है उसने ये देखा कि ये जहां भी जाता है टाटा कंपनी अपने चारों तरफ स्ट्रक्चर बना देता है लोगों की सेवा उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देता है आप क्या कर रहे हो आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको यह ध्यान रखना ही है कि आप गिव बैक कर रहे हो तो जिसमें भी आपका लिमिट है उस लिमिट में ही आपको अपना काम भी करते रहना है तो ये कुछ काम जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं वो काम आप कर रहे हो एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ अपर मैनेजमेंट अर्थात आपका जो कोच या सीनियर है उसका हो गया कमिटमेंट बाय मी आपने क्या कमिट किया है एक्शन टेकन बाय मी इन लास्ट वीक जो भी आपने किया इस तरह से आपका वीकली एक्शन प्लान भराएगा तो अभी आप केवल ये भरेंगे रेस्ट तो आप अगली बार भरेंगे कि क्या आपने लर्न किया है